हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो का टाइटल है चंद्रयान 2 ने भावुक कर दिया, चंद्रयान 3 को संभाल लिया खुशी के आंसू। मतलब चंद्रयान 3 शायद कुछ ना प्रॉब्लम हो जाती है, स्पेस में कुछ नहीं पता लगता, तो उसको संभाल लिया चंद्रयान 2। हालांकि वो चंद्रयान 2 चार साल से एक जगह पे पड़ा हुआ है, लेकिन वो अभी भी वो अपना जो फर्ज है वो अदा कर रहा है। वो चंद्रयान 3 की इतनी हेल्प कर रहा है, अगर वो ना होता ना तो कुछ भी हो सकता तो था, लेट हो जाता मिशन, लेट हो जाता। तो बिना किसी देरी के देखते हैं क्या किया चंद्रयान 2 ने फिर से। इनसाइड नॉलेज का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट दोस्तों, बीती रात ट्रांसलूनर इंजेक्शन पर सफलतापूर्वक लॉन्च होने के बाद अब हमारा चंद्रयान 3 चांद की तरफ बढ़ चुका है, जिसे हम इस पूरे मिशन के लिए एक काफी बड़ी सफलता के तौर पर देख सकते हैं। लेकिन अचानक से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई जिसने भारत तो भारत अमेरिका और चीन तक के होश उड़ा दिए, क्योंकि अगर इसरो को ये जानकारी सही समय पर नहीं मिलती तो हमारा पूरा मिशन बर्बाद भी हो सकता था। और इस जानकारी को जुटाने में सबसे बड़ा हाथ चंद्रयान 2 का था। तो चलिए जानते हैं इस खबर के बारे में डिटेल में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक डेली पहुंचती रहे। दरअसल दोस्तों, मीडिया से निकल कर आ रही लेटेस्ट रिपोर्ट से इस बात का पता चला है कि जब इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान 3 के साथ कनेक्शन स्थापित करने के लिए सिग्नल भेज रहे थे, तभी हमें अचानक से दो सिग्नल मिलने लगे। फिर थोड़ी छानबीन के बाद पता चला कि दूसरा सिग्नल असल में चंद्रयान 2 का है, जो 2019 में चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने से मात्र 2.1 किलोमीटर ऊपर से क्रैश लैंडिंग कर चुका था। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि आज चंद्रयान 2 का 95% हिस्सा आज भी बिल्कुल सही तरह से काम कर रहा है, जो काफी हैरानी की बात है। जिससे खुश होकर जब भारत ने चंद्रयान 2 के साथ अपने कनेक्शन को और भी ज्यादा मजबूत किया और इसके द्वारा भेजी गई इमेज को एनालाइज किया, तब हमें काफी होश उड़ाने वाली जानकारी पता चली। दरअसल अब इस बात का खुलासा हो चुका है कि जहां पर चंद्रयान 3 को सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी, बिल्कुल उसी जगह पर कुछ ऐसे अजीब से ऑब्जेक्ट पाए गए जिनका संबंध एलियन से भी हो सकता है। उससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि इस लोकेशन पर काफी अजीब स्ट्रक्चर देखने को मिले, जो क्या है इसे हम अभी तक नहीं समझ सके। अब ये बात तो साफ है कि जैसे ही चंद्रयान 2 की तरफ से यह इमेज भारत को मिले, चारों तरफ नई गतिविधि शुरू हो गई, क्योंकि चंद्रयान 3 को लेकर भारत कोई भी चांस नहीं लेना चाहता। इसी वजह से हमने खतरे को समझते हुए एक बड़ा फैसला किया और ये बात निर्धारित की कि अब चंद्रयान 3 अपने पूर्व नियोजित लोकेशन से 100 किलोमीटर दूर लैंडिंग करेगा, जहां पर इस तरह की कोई भी अजीब स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है और वहां लैंडिंग करना भी पहले के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित होगा। दोस्तों, भारत चंद्रयान 3 को लेकर अब और भी ज्यादा सक्रिय हो चुका है, क्योंकि चंद्रयान 2 के तरफ से मिलने वाले ये सिग्नल और इमेज भारत को काफी मदद कर रहे हैं। ऐसे में हमारे लिए काफी जरूरी है कि हम इस पूरी जानकारी को ध्यान में रखते हुए कोई कदम आगे बढ़ाए, क्योंकि 5 अगस्त को भारत का चंद्रयान चांद के ऑर्बिट में दाखिल होगा, जिस वक्त इसे 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी ज्यादा पर होते हुए 180 डिग्री का टर्न लेना पड़ेगा, ताकि ये चंद्रमा के ऑर्बिट को पकड़कर गुरुत्वाकर्षण बल के साथ अपना संतुलन बना सके। यही वजह है कि 5 अगस्त की तारीख भारत के इस मिशन के लिए काफी ज्यादा जरूरी होने वाली है। बता दें कि चंद्रयान 2 चंद्रयान 3 मिशन के लिए अब तक का सबसे बड़ा एडवांटेज बनकर सामने आ चुका है, क्योंकि ये इतने समय में ही हमें चंद्रयान 3 में आने वाली मुसीबतें और सही रास्ते के बारे में जानकारी दे रहा है। इतना ही नहीं, बल्कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चांद के 10,000 से भी ज्यादा चक्कर लगाकर इसके सटीक नक्शे और इमेज भारत को दिए, जिसके बारे में हम लगातार आपको बता भी रहे हैं, जिसके इस्तेमाल से हम चंद्रयान 3 की लैंडिंग लोकेशन को डिसाइड कर पा रहे हैं। साथ ही ये हमें चांद पर आने वाले सोलर विंड समेत कई अलग अलग गतिविधियों के बारे में भी जानकारी दे रहा है, जो हमारे इस महत्वपूर्ण लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम के लिए घातक साबित हो सकते हैं, ताकि हम चंद्रयान 3 में जरूरी बदलाव पहले ही कर सके और ये पूरा मिशन सफल हो, क्योंकि इस मिशन पर 140 करोड़ भारतीयों के साथ साथ पूरी मानव जाति की उम्मीद टिकी हुई है। पर अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 से कितना अलग है और हमने इसमें क्या बड़े बदलाव किए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर चंद्रयान 2 फेल क्यों हुआ था। दरअसल हम ये तो नहीं कह सकते कि हमारा ये प्रोग्राम पूरी तरह से नाकाम रहा था, क्योंकि आज भी इसके अधिकतर कंपोनेंट बिल्कुल सही तरह से काम कर रहे हैं और भारत को मदद भी कर रहे हैं। लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग के मामले में चंद्रयान 2 जरूर नाकाम
नाम रहा, जिसकी सबसे बड़ी वजह चांद के काफी खतरनाक वातावरण को बताया जाता है, जहां पर लैंडिंग के मामले में सिर्फ 37% ही सफल होते हैं। बता दें कि इसरो के पूर्व प्रमुख डॉक्टर सिवन ने चांद पर लैंडिंग के आखिरी 15 मिनट को टेरर मिनट भी कहा था, क्योंकि उस दौरान लैंडर के रॉकेट को बिल्कुल सटीक समय पर शुरू होकर अपनी रफ्तार कम करनी पड़ती है, वह भी चांद के एक ऐसे वातावरण में जहां पर ग्रेविटी पृथ्वी के मुकाबले काफी कम है और धूल बहुत ही ज्यादा। इतना ही नहीं बल्कि चांद का खराब मौसम, ऊंचे पहाड़ और गहरे गड्ढे भी पूरे मिशन के लिए बड़ा खतरा थे, जिसकी वजह से चंद्रयान 2 की लैंडिंग नाकाम रही, जिससे सीख लेते हुए भारत ने चंद्रयान 3 में काफी बड़े बदलाव किए। सबसे पहले तो चंद्रयान 3 में लगे इंजन की संख्या को 5 से घटाकर 4 कर दिया गया, साथ ही इसके लैंडिंग लोकेशन में भी नई जानकारी के बाद बदलाव किए गए। इतना ही नहीं बल्कि इसके कम्युनिकेशन सिस्टम और प्रोपल्शन मॉड्यूल में भी काफी बड़े बदलाव किए गए, जो इसे चंद्रयान 2 के मुकाबले काफी एडवांस बनाती है, जिसकी वजह से चंद्रयान 3 की सफलता की संभावना कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी इसी के साथ यार वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। यार मैं कहता हूँ वो आज चंद्रयान 2 ना होता तो कुछ भी हो सकता था यार। मैं कहता हूँ उसको जो लोग बंदे फेल, जो लोग मजाक उसका उड़ाते थे ना, जितना खास तौर पर चाइना के और पाकिस्तानी लोग, मैं कहता हूँ उनके मुंह पे आके थप्पड़ लगे हैं कि भाई साहब तुम जिसको फ्लॉप बोल रहे थे वही जाकर तुम्हें उधर वो चंद्रयान 3 की मदद कर रहा है। तो आज वही जागा हुआ है और वहां से तस्वीर तक भेजी है कि इस जगह पे खतरा है थोड़ा, तो ये थोड़ी लोकेशन चेंज करो। मैं तो वही कह रहा हूँ, इंडिया ने जब चंद्रयान 2 से कुछ देखो ये इसरो है ना, हर काम तो देखो दुनिया को बताकर करता नहीं है कि मैं इस तरह कर रहा हूँ। लाजमी बात है, चंद्रयान 3 स्टार्ट करने से पहले इंडिया ने चंद्रयान 2 से जो कुछ मालूमात लेनी थी उसको पता था, तब इसलिए वो किया है। अच्छा अभी उसने जब इमेजेस भेजी है तो इन्होंने 100 किलोमीटर बहुत चीज होती है अभी तक चेंज कर दिया उन्होंने। अभी तक खबर नहीं आई थी कि चंद्रयान 2 जिंदा है या नहीं, लेकिन जब से ये लॉन्च हुआ चंद्रयान 2 की खबर आ गई। मतलब इसरो ने अभी तक उसको छुपा के रखा हुआ था, इसरो अभी भी उसके साथ कनेक्टेड था, उससे मतलब मालूमात ले रहा था, लेकिन वो फिर दुनिया से छुपा के रखा और एंड मौके पे आके सबको बताया। भाई ये चीज होती है, ढिंडोरा नहीं पीटा भारत ने, मतलब पाकिस्तान चाइना होते हैं वो, मतलब कोई भी काम करते हैं पहले ढिंडोरा पीटना शुरू हो जाता है, भाई हम ये कह रहे हैं अमेरिका था किस तरह ढिंडोरा पीटता है, लेकिन भारत चुप चुपीते काम करता है और भाई सक्सेस भी फिर हासिल करता है। और चंद्रयान 2 का तो वही सिस्टम हो गया, अभी हम जिंदा है, अभी हम जिंदा है। वो बेशक देखो यार क्रैश लैंडिंग उसने किया है, लेकिन 95% उसके अभी भी इससे काम कर रहे, तभी तो ऑर्बिटर नहीं लगाया है। बिल्कुल चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर वो उसी से ही काम कर रहा है और इमेजेस भेज रहा है। भाई उसने कहा है कि इधर कोई खतरा या कुछ भी हो सकता है, हो सकता है यार गतिविधि, तो वो 100 किलोमीटर दूर जगह पे उतरेगा और वो सेफ जगह होगी जिस जगह का मतलब चंद्रयान 2 ने लोकेशन का बताया, और चंद्रयान 3 भी अब अपनी खुद लोकेशन डिसाइड करेगा। बिल्कुल आपका कैसे कहना है अपने कमेंट सेक्शन में, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार